हेलो एवरीवन, दिस इज सलस कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी, द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट 22 करने वाले हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन बताने वाला जो कि आपको आर एस अग्रवाल एग्जाम्पल में मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, अराउंड क्वेश्चन नंबर 10 मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, सो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देखिए ये 2008 में भी सीबीएसई में पूछा। अब मेरे को बताना ये है कि इस मेथड को आप, मैं सबसे आसान तरीके से और छोटा तरीका से बताने वाला हूँ, ठीक है। आप इसको दो तीन तरीके से और हैं जो बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपको एडवांस लगेगा और दिक्कत आएगा, ठीक है। तो मैं सबसे आसान वाला छोटा बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, और भी आपको कर दी दूसरा मेथड जानना है तो प्लीज कॉमेंट करें, मैं बना दूंगा उसका वीडियो। देखिए तो क्या बोला है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो हमको प्रूफ करना है इसका वैल्यू कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो चलो सबसे पहले जो गिवन दिया है उसका हम लोग कुछ यूज करते हैं, ठीक है। कुछ दिया है तो काम का ही होगा। हम लोग के पास जो गिवन था वो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। इसको क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, 7 स्क्वायर थीटा को यहाँ 3 लाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों, थोड़ा सा रुक जाओ बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, प्लान कैसे बता ही देते हैं। हम लोग का प्लान जस्ट ये है कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। पढ़ लियो तो बहुत अच्छा। तो ये चीज चाहिए हमको, ठीक है, साइन और कॉस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तीन 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 में तोड़ दे, तीन जैसे तोड़ रहे हैं तो तीन तीन कॉमन निकाल देंगे और ये हमको मिल जाएगा। तो देखो तो इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 साइन स्क्वायर थीटा होएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर दी आप दोनों को जोड़ोगे तो साथ ही आएगा 3 4 3, लेकिन स्प्लिट कर दी। अब 3 कॉस थीटा को देखो तो छाप दो, ऐसे ही लिख दे रहे हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर 4 था आरएचएस, 4 लिख दिए। अब इससे क्या फायदा होएगा कि यहाँ 3 3 हमको मिल जाएगा, ठीक है, उसका जो कि हम आगे यूज कर सकते हैं। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 3 कॉमन निकाल देंगे, दोनों में 3 3 है, हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 को कॉमन निकाल दो तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब ये 4 मिल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। ये सिंस का साइन है तो हम लोग उसको अब यूज करेंगे। 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहां 3, इसका वैल्यू क्या है, वहां देखो 1, आगे पढ़ोगे ठीक है एकदम याद हो जाएगा, अभी नया लग रहा हूं, हो गया। अब देखो तो यहां 3 आता है, ठीक है, फाइनली। अब 3 जो आता है उसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, 4 में 3 जाएगा तो। और इधर 4 * में था, अब उधर डिवाइड होके क्या चला जाएगा, 1/4, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर स्क्वायर था तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा तो √1/4, और ये फाइनली क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। अब आप चाहो तो यहां से यूज करके एक और तरीका है, लेकिन वो नहीं, थोड़ा आसान वाला ही बता रहे हैं, आपको दिक्कत हो जाएगा, वो नया लगेगा ज्यादा कुछ, ठीक है। अब नॉर्मल तरीके से आप बना सकते हो, साइन थीटा का वैल्यू जानते हो, इसको मान लो साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको 1/2 के, ठीक है। अब आप चाहे तो हम लोग नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं,
नॉर्मल तरीके से क्या बना सकते हैं, पहले तो आप रीजन को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस ने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला को मैं अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो आगे अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, टैन का वैल्यू चाहिए, तो टैन का वैल्यू के लिए हमें बेस चाहिए होगा, तो हम लोग बेस कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है। बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप पूरा लिखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। अब फाइनली बेस निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी उधर जाके माइनस होएगा, है ना, और ये स्क्वायर था तो उधर अब स्क्वायर हटा देते रूट चढ़ जाएगा। हाइपोटेनस कितना, 2k, फिगर बनाने का जरूरी नहीं है। परपेंडिकुलर के 1k बोलो या k बोलो, कितना आ जाएगा, 4k² - k² यानी बेस आ गया कितना हम लोग का, √3k² यानी फाइनली बेस √3k, स्क्वायर था तो के लिखा, ठीक है। अब बेस पता है मेरे को, परपेंडिकुलर पता है, तो टैन तो निकल जाएगा। नाउ टैन थीटा क्या होता है, नीचे लिखते हैं, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, 1k या फिर k लिखिए, बात बराबर है, लेकिन k लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। बेस √3k, k क्या गया यानी 1/√3, ठीक है। अब आ गया, और यही तो मेरे को लाना था tan, ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब हेंस करके लिख दीजिएगा, ठीक है, तो दिखाई दिया LHS is equal to RHS, हेंस करके लिख दीजिए, प्रूव्ड लिख देते हैं सिंपली। और एक तरीका और भी है कि आप कैसे लिख सकते हो, कि एक यहां से अगर दी, आपको एक ही तरीका जानना है तो आप वीडियो बंद कर सकते हो, और नहीं तो आप एक और तरीका है टैन निकालने का, कि यहाँ पे जो आ चुका है वैल्यू, लेकिन ये आप लोग के लिए नया होगा, लेकिन सीख लो, काम आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी इसी से बना सकते हो, लेकिन इसको भी सीखने का कोशिश करो, यहीं तक था, ठीक है, हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, एक और कॉस निकालने का एक तरीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आगे पढ़ोगे, ठीक है। यहां से हम कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन का वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको पता है 1/4, या 1/4 लिख देंगे, ये पता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1, इधर जो मैंने बताया वो सबसे आसान तरीका था, ये थोड़ा आप लोग को हार्ड लगे, लेकिन एडवांस से बन सीखो, ठीक है, सॉल्व करो, कितना आएगा, 3/4, फिर स्क्वायर था तो उधर जाकर रूट आ जाएगा, तो इधर आएगा तो रूट, तो √3, और 4 का हो जाएगा 2, कॉस का वैल्यू आ गया, ठीक है, कॉस का वैल्यू आ गया। अब तुम लोग अगर दी कॉस का वैल्यू आ गया, तो हम लोग को टैन का वैल्यू निकालना था ना, तो टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का वैल्यू बैठा देंगे, साइन कितना है निकाला हुआ होगा, ठीक है, हाफ है। कॉस का वैल्यू निकाले हैं अभी, √3/2, अब ये 2 कट जाएगा, तो आ गया टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो आप ऐसे भी, इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन ये वाला जो शुरू में ट्रिग्नोमेट्री इनिशियली पढ़ रहे होगे, तो आपको ये थोड़ा अजीब लग सकता है, ठीक है, तो आप बचपन में जैसे, मतलब शुरू में जैसे बनाए, वैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है, यहां तक तो कॉमन ही है सब जगह, ठीक है। थोड़ा सा यहां से आप इस तरीके से भी बना सकते हो, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, और अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।